हेलो। तो कुछ महीने पहले मैं गया था इंडिया के सबसे फेमस और सबसे रिचेस्ट टेंपल में से एक, श्री वेंकटेश्वर टेंपल, जिसे तिरुपति तिरुमाला भी कहा जाता है। वहाँ अपने इस मेमोरेबल ट्रिप को डॉक्यूमेंट करने गया था, और जो कि मैंने किया भी। यहाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने दोस्त विदा के साथ, जिसकी वजह से ये मेमोरेबल ट्रिप पूरी हो सकी है। तो भाई तिरुपति आ चुके हैं। तिरुपति तो अभी टिकट रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं अपना। टिकट हमने जो ऑनलाइन बुक किया था उसका वेरिफिकेशन आ गया। बस हम MSC जा रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करवाने। भाई इधर का भाई नेचर एंड भाई साफ सफाई भाई बहुत एकदम 10 out of 10 अच्छा रखता है। अकोमोडेशन भी ठीक भाई एकदम। देखो तुमको माउंटेन्स पे जाना है एंड तुमको टेंपल वगैरह भी घूमना है तो यहाँ पे आ जाओ भाई। टेंपल्स तो भरे पड़े हैं एंड यहाँ का फेमस टेंपल तुम जानते ही हो। एंड ऊपर से भाई यहाँ पे भाई माउंटेन्स सेक्सी एकदम। AC रूम लेने का ज़रूरत ही नहीं होती, सीधा आ जाओ घूमो एंग्री बना। चलो ठीक है अभी पहुँचते हैं, फिर अभी रास्ते में हम वॉक कर रहे हैं भाई। 1.5 किलोमीटर वॉक करके जा रहे हैं। चलो मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आते हैं तो इस पवित्र तालाब में आना और खुद को शुद्ध करना सबसे ज़रूरी माना जाता है। जस्ट हम आए थे एंड स्ट्रीम वगैरह ट्राई कर रहे थे करने की, बट यहाँ पे होटल का ना वाईफाई थोड़ा सीन होने की वजह से नहीं कर पाए एंड अभी हम सोने जा रहे हैं। कल सुबह उठ के हम सबसे पहले जाएंगे दर्शन के लिए, देन फिर वहाँ पे हम दर्शन करके फिर हम शाम को आएंगे, फिर हम रेस्ट करेंगे, देन वापस नेक्स्ट डे फिर हम कहीं और एक टेम्पल पर जा रहे हैं। तो वो तुमको व्लॉग में पता चल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय। तो गाइज वी आर रेडी टू गो। अभी हम जा रहे हैं तिरुपति। अभी हमारा गेटअप कुछ ऐसा है, तो ऐसे नहीं जाने वाले हम, इसके ऊपर धोती पहनेंगे। नहीं स्मार्ट लुंगी, इसके ऊपर एक स्मार्ट लुंगी आ जाएगी बस। फिर उसके बाद हम मिलेंगे सिद्धा टेंपल पे। हम सीधा यहाँ पे दर्शन करने जाएंगे एंड वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो कैमरे को हमें बैग में रख के जाना पड़ेगा। गाइस अभी हम लुंगी पहनेंगे
ठीक है, लुंगी पे पहनेगा ये लड़का, क्योंकि मेरे को नहीं आता लुंगी पहना, ठीक है, देखते रहो। भाई फर्स्ट टाइम देखो मैं कुछ पहना हूँ, ठीक है, मेरे को कमेंट में बताना कि भाई कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। तो अभी होटल से चेकआउट कर रहे हैं, फिर उसके बाद अभी हम निकलते हैं, नीचे हमारा कैब वाले भाई आ चुके हैं, देन उसके बाद हम कैब में बैठ के सीधा जाएंगे तिरुपति ऊपर जहाँ पे हमारा रेस्ट हाउस था, देन वहाँ से हम जाएंगे दर्शन स्टार्ट करने, ठीक है, तो रास्ते में मिलते हैं, बाय बाय। अब यहाँ कैमरा फोन ड्रोन कुछ भी अलाउड नहीं था, पर आइए मैं बताता हूँ आप सबको इस मंदिर की अनोखी बातें जिससे ये मंदिर बाकियों से अलग मानी जाती है। वेंकटेश्वर स्वामी जी की पूजा दिन में 6 बार होती है। माना जाता है कि स्वामी जी की मूर्ति के पास जो दिया है वो कभी नहीं बुझता, और ऐसा माना जाता है कि ये दिया हजारों सालों से ऐसे ही जलता हुआ आ रहा है। ऐसा कहा जाता है मंदिर में जो बालाजी की मूर्ति पे जो बाल हैं वो असली हैं। कहते हैं अगर आप बालाजी की मूर्ति को कान लगाकर सुनते हो तो आपको समुंदर की लहरों की आवाज़ तक सुनाई दी जाती है। और इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इस व्लॉग को। अभी यहाँ पे एलिफेंट्स दिखा है, तो हम सोच रहे हैं कि उसके पीछे पीछे जाने की, वेदा और मैं वो एलिफेंट्स को चेज कर रहे हैं। तो भाई लास्ट गुड बाय टू तिरुपति, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, तिरुपति से हमारा हो गया, अभी चेकआउट करके हम निकलेंगे सीधे नीचे की तरफ, दूसरे टेंपल्स की तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद आज शाम को हम निकल लेंगे हैदराबाद। तो ये लास्ट डे है हमारा तिरुपति में, तो इसने बोला था कि लुंगी पहन के उस टेंपल में जाते हैं, तो मैंने लुंगी पहन ली है, जैसे कि आप देख सकते हो लुंगी पहन ली है। ये मेरा डोरेमोन का पैकेट, इसमें मेरा कैमरा है, ये है हमारे वेदु अन्ना, नमस्ते, श्री काला हस्ती करके एक मंदिर में आए हैं, बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे लाइक जो भी पाप होता है, दोष होता है वो लाइक इधर साफ करने के लिए बहुत बड़ा प्रार्थना करने हैं, ताकि भगवान उनको बचाए ऐसे। ये अपना तो भाई दर्शन वगैरह, अभी हम जा रहे हैं फिर होटल के लिए, होटल नहीं खाने के लिए। अब समय हो गया था बालाजी से अलविदा लेने का।
खैर ये ट्रिप मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल ट्रिप था। तो इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई और नई कहानी के साथ।